आपकी भारी डिमांड पर आज हम लाए हैं ये वाली बेसन की पापड़ी। अच्छा, इसको बनाने में थोड़ी सी ट्रिक है, वरना इसे आप करारी कुरकुरी नहीं बना पाओगे, बिल्कुल खस्ता जैसे कि बाजार में मिलती है। क्योंकि बाजार में तो एकदम आप छुइएगा और इस तरीके से बस चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि वो वाली पापड़ी इस तरीके से एकदम से चूर चूर होने वाली होती है। तो अगर इस तरीके की पापड़ी चाहिए तो बिना उस ट्रिक के आप बना ही नहीं पाएंगे, वरना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आप कहेंगे कि मजा ही नहीं आ रहा, लगी नहीं रही बाजार जैसी बनी है। वैसे भी आप इस पापड़ी से ढेरों चाट बना सकते हैं और किसी भी चाट में आप डाल सकते हैं, चाहे वो आलू की हो, पापड़ी चाट हो या कोई भी प्रकार की चाट हो, सब में आप बस इसको डाल दो, करारा कुरकुरापन आ जाएगा। और यहाँ तक मैं ढेर सारी ऐसी रेसिपियाँ भी इस पापड़ी के साथ शेयर करूँगा जो आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताई, मजा आ गया खाने के बाद, जैसे कि दाल के साथ। तो फिलहाल हम बाद में बनाएंगे, आज इन पापड़ियों को बनाना सीखते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम बड़ा सा बर्तन लेंगे और अब डाल देंगे इसके अंदर बेसन। तो लगभग 250 ग्राम जितना बेसन होगा और इतने में ढेरों पापड़ियां बन जाएंगी। अब इस बेसन में डाल देंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, तो आप क्रश करके डाल दो या मेरी तरीके से, लेकिन डालनी थोड़ी ही है। और अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी हींग, बहुत जरूरी है, टेस्ट भी बढ़ के आएगा। और डाल देंगे इसके अंदर हम नमक, तो नमक आप काला और गोरा दोनों मिलाकर डाल सकते हैं, वरना मेरी तरीके से गोरा डाल दें। तो नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो लेंगे एक कूड़दान और इसमें डाल देंगे काली मिर्च। अच्छा, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं तो ज़्यादा ले रहा हूँ, थोड़ी मैं इसमें डालूंगा और थोड़ी सी मैं किसी और में, तो लगभग आधी चम्मच आपको लेनी है। अब इसको करेंगे हम क्रश। देखो, पीसना नहीं है, क्रश करना है, मतलब कि तोड़ लेना है। और तोड़ने से क्या होगा, जब टूटी टूटी काली मिर्च मुँह के अंदर आएगी तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने की है काली मिर्च, इसी तरीके से आपको क्रश करनी है। तो बस इसी में से थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे बेसन के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, लेकिन आधी तो आप डाल ही दें, टेस्ट काफी अच्छा आएगा। और इसका आप कलर भी बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं, हल्दी डाल देंगे नॉर्मल जो हमारे घर पे होती है, थोड़ी सी पीली हो जाएंगी तो देखने में भी अच्छी लगेंगी। और जो चीज देखने में अच्छी लगेगी, जाहिर सी बात है, उसका स्वाद अपने आप अच्छा आता है। और इसी के साथ अब डाल देंगे इसमें घी, लगभग 1.5 चम्मच जितना। तो आप घी, वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें, वरना ये खस्ता हो जाएंगी और करारी कुरकुरी कम लगेंगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही रखें। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो आप हाथों से मिलाइएगा, चम्मच वगैरह का यूज मत करिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप मोहन को बेसन में मिला लेंगे उतनी ही ये खस्ता हो जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ी सी आप खस्ता रखिएगा। अब डालेंगे इसमें हम पानी और इसका एक हार्ड यानी कि टाइट डो तैयार कर लेंगे। अगर ये जरा सा भी ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, बेलने में होगी दिक्कत और फिर पापड़ी आप बनाते बनाते थक जाएंगे और बाद में मुझे ही गालियां देंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखा करें और सही सही स्टेप को फॉलो किया करें, कभी भी रेसिपियां नहीं बिगड़ेंगी। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा हार्ड गूंथना है, तो हल्का हल्का पानी डाल के गूंथ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना कर दें, वरना बेलने में दिक्कत होगी और किनारे किनारे बहुत ज़्यादा फटेगी। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब डो बनके तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं पास से दिखा देता हूँ, बस इस तरीके का डो गूंथना है। और हाँ, यहाँ पर एक प्रोटिप मैं और दिए देता हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से आप बेसन को मसल मसल के गूंथेंगे उतनी ही आसानी से पापड़ियाँ बनती चली जाएंगी। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। अच्छा, उससे क्या होगा कि इसे बेलने में आसानी रहेगी और ये फटेंगी नहीं, आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। लगभग 15 मिनट हो चुका है और डो भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो आधा डो उठा लेते हैं और इसको पटक लेते हैं सीधा फर्श पर। और अब इसको करेंगे हम एक साथ, तो आप एक साथ कर लें पहले। और अब इसके हम करेंगे 5-6 हिस्से, ताकि जो पापड़ी है ना वो सही शेप में आए। तो आप छोटे छोटे हिस्से करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो लगभग 5 बने हैं, तो एक लोई को उठा के बस इसे हमें बेलनी है। तो थोड़ा सा लगाएंगे इसमें हम घी। अच्छा, गलती कर गया, घी नहीं लगाना था बल्कि सूखा बेसन लगाना था। तो देखो, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से बेल लेते हैं, लेकिन अगर आपको बेलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा सूखा बेसन लगा लें और उसके बाद इसे बेल लें। देखो, दिक्कत तो होगी, तो इसीलिए सूखा बेसन लगाना भी अनिवार्य है मेरे हिसाब से। हल्का सा सूखा बेसन लगा लें और इसे बेलते जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार चिपक गई, बेलती चली जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बेल जाएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी बस आपको ताकत लगानी है और बिल्कुल पतला पापड़ की तरीके से बेल लेना है, बल्कि पापड़ से भी ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो इसीलिए डो आप बहुत ज़्यादा ढीला ना रखें, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से बेलती चली जा रही है, बस इसी तरीके से बेल लेनी है। अब पापड़ जैसी पापड़ी बेल चुकी है, तो हमें पापड़ी का शेप भी देना है। तो इसके कर लेंगे हम 4 हिस्से। तो लेंगे चाकू और बस इस तरीके से
काट लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको काट लेना है। हाँ, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में काट लिया, आप आराम से काटें, कोई दिक्कत नहीं होगी, पापड़ी भी एकदम से सही शेप में आएगी। तो देखो इसी तरीके से पापड़ी बनती है त्योहारों पर भी और नमकीन की दुकान पर भी। अब इन पापड़ियों को उठाकर एक प्लेट पर निकाल लेंगे, लेकिन सेकेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पर हम ट्रिक और टिप्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेंगे और जो बची हुई पापड़ी है उन्हें भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो अच्छा, एक पापड़ी में और बेल के आपको दिखा देता हूँ। तो लेंगे एक लोई और बस इस तरीके से बेल लेंगे। देखो कितनी आसानी से बेलती चली जा रही, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर एक प्रोटिप मैं और दिए देता हूँ कि आप उतनी ही लोई काटें जितनी जल्दी से आप बेल सकें, क्योंकि अगर आप लोई काट के रख लेंगे तो वो सूख जाएंगी और फिर बेलने में होगी दिक्कत। तो इसीलिए उतनी ही लोई काटें जितनी आप पापड़ी जल्दी जल्दी बना लें, सूखने ना दें। आप पापड़ी ये वाली भी बेल लिए, तो इसे भी हम काट लेते हैं चाकू से। देखो कितनी आसानी से कट रही है। बस इसी तरीके से हम सारी सारी पापड़ी बना लेंगे। फिलहाल इसे उठा के डाल देंगे प्लेट के ऊपर। तो देखो इस तरीके से थोड़ा सा दूर दूर रखना है, क्योंकि अभी इसे हमें देनी है हवा। तो इसे हम पंखे में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे जो पापड़ी है ना वो हल्की सी सूख जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगी, एक तो ये पापड़ी फूलेगी नहीं, दूसरा ये पापड़ी एकदम से पापड़ की तरीके से करारी कुरकुरी हो जाएगी। तो यही दो प्रोटिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वरना पापड़ी नहीं बना पाएंगे और फिर कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा। फिलहाल हम इन्हें आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो अब इन्हें हम सेंक लेते हैं। तो सेंकने के लिए मैंने पहले तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम स्लो रहेगी तो भी करारी कुरकुरी नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे इसे आप डालें ये सिकने लगे, और सेंकना भी बहुत देर तक नहीं है। बहरहाल तेल अच्छी तरीके से गर्म है, तो फिलहाल हम एक पापड़ी डालकर चेक कर लेते हैं। हाँ, तेल तो एकदम से परफेक्ट गर्म है, इसका मतलब इसमें पापड़ी सिकती हुई चली जाएंगी। तो इस पापड़ी को हम निकाल लेते हैं और अब डालेंगे इसमें हम चार पापड़ी। तो देखो बहुत ज़्यादा पापड़ी एक साथ नहीं डालनी है, वरना ये जल जाएंगी, क्योंकि इन्हें हमें तुरंत निकालना है। तो याद रखना है, आप चाहें तो एक एक करके सेंकें, और अगर एक्सपीरियंस हो तो आप मेरी तरीके से 4-5 डालकर भी सेंक सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी सारी पापड़ी आपको सेंकनी है, तुरंत डालें, पलटें और तुरंत निकाल लें। बस आपको लगना चाहिए सिक चुकी हैं, वरना ये जरा सी भी देर अगर तेल में रह गई तो जल जाएंगी और फिर काली काली हो जाएंगी, वो आपको बाद में पता चलेगा, तुरंत नहीं। तो इसीलिए आप तुरंत डालें, थोड़ी देर से चलाएं और निकाल लें, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। बिल्कुल प्रोटिप है, याद रखना है, छोटी छोटी बातें ही इसको खस्ता और करारी कुरकुरी बनाएगी, वरना बनेगी नहीं, तो ध्यान रखना है। तो बस इसी तरीके से हम सारी सारी पापड़ियां सेंक लेंगे। लीजिएगा, पापड़ी तो सिक के रेडी है, और देखो एकदम से पीली पीली भी बनी। क्यों बनी? क्योंकि हल्दी डाली। टेस्ट बहुत गजब का होगा, क्योंकि काली मिर्च डाली, और नमक भी अगर आप चाहें तो कॉम्बिनेशन में डालें, और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। बाय द वे, आप इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा कूट कूट के, बड़ा बड़ा मत डालें, वरना बेलने में दिक्कत होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पापड़ियों को एक बार आप घर पर जरूर ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे, और फिर कभी भी नहीं पूछेंगे कि हलवाई वाले पापड़ी कैसे बनाते हैं। और इस तरीके की पापड़ी से हम ढेरों चाट की रेसिपियां भी ला रहे हैं, तो अगर वो भी देखनी है तो कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ मैं बनाऊंगा दाल के साथ और भी ना जाने किस किस के साथ। तो उन सारी रेसिपियों को देखने के लिए कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, और अभी तक सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स भी लागू किया, तो कर लेना, फ्री की चीज है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।